हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए एनएस गोट फार्म का कंप्लीट फार्म टूर देखने के लिए और साथ ही साथ बकरों की फीडिंग और उनकी बाकी डिटेल्स जानने के लिए। सो गाइस, दिस इज़ एनएस गोट फार्म शाहपुर। ये एनएस गोट फार्म जो है नीलेश साव सर का है। ये है मिस्टर नीलेश साव, ओनर ऑफ एनएस गोट फार्म, और ये है उनका फार्म एरिया। यहाँ पर सामने है बकरों का रहने का शेड, और ये जो है बकरों का प्ले एरिया, यहाँ पे बकरे छोड़े जाते हैं। सामने जो भी जगह दिख रही है ये सब एनएस गोट फार्म के एरिया के अंडर आता है। यहाँ पर उनका एक फार्म हाउस है, और ये जो एरिया है अराउंड 22 एकर्स का इसका एरिया है, और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने फार्म को बनाया है, मेंटेन किया है। सर, आपका फार्म कितने सालों से? चार साल से फार्म है माशाल्लाह। तो अभी चलते हैं हम फार्म के अंदर, बेसिकली शेड के अंदर। लेट्स सी हाउ एंड वेयर द गोट्स आर कैप्ट। जम्स क्रिएशन वाले भाई माज भाई पहले से अंदर है। लेट्स ओपन दिस, एंड दिस इज द शेड ऑफ एनएस गोट फार्म। क्वाइट ब्यूटीफुल इजंट इट। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत बकरे जो है सोजात ब्रीड के, और ये सभी जो बच्चे हैं बकरे, ये सब एनएस गोट फार्म पर ही बनते हैं, मतलब पाले भी जाते हैं, पूरे बड़े भी किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, सब मिस्टर नीलेश साव को आप कह सकते हैं सोजात का किंग, क्योंकि इनके अगर दूसरे वीडियोस में आप देख लेंगे या देख चुके होंगे, काफ़ी सारे ये बीटल है, सबका अलग से वीडियो हम दिखाएंगे। ये काफ़ी अच्छी हाइट पर बना हुआ है, जिससे कि बकरों को बारिश में भी अच्छे से रखा जा सकता है। ये अंदर जाओ। सो लेट्स गेट इनटू द शेड। यहाँ बच्चे लोग, फीडिंग टाइम है। यहाँ पे हरी पत्ती चल रही है, बहुत प्यार से मज़े से बच्चे लोग खा रहे हैं। ये किड्स अभी फॉर सेल के लिए नहीं है, ये जो बच्चे हैं ये यहाँ पर पलेंगे, ये बड़े हो गए। यहाँ पर बाहर से बड़े बकरे नहीं लाए जाते, बल्कि बच्चों को यहाँ पर पाल कर बड़ा किया जाता है बहुत ही प्यार से। ये देख सकते हैं बच्चा, ये बच्चे को देखिए, अदंत बच्चा, बहुत ही खूबसूरत है और बेस्ट क्वालिटी, टॉप क्वालिटी, वाइट कोर, फुल पिंक स्किन, खूबसूरती देखिए, माशाल्लाह। अगर आपको बड़े बकरे खरीदने हो तो आप मिस्टर नीलेश साव से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको सभी बकरे के फोटोज या रेट जो भी आपको चाहिए रहेगा वो प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर और भी बड़े बड़े बकरे हैं, ये फॉर सेल के लिए सोजात ब्रीड के, और कोई भी इनमें से कोई भी बकरा जो है भराई का नहीं है। खास बात तो ये है यहाँ की, जो भी बकरे हैं सब नॉर्मल फीड पे, और सब 90 किलो, हाँ सब 90 केजी के ऊपर ही है, और बेसिकली सब 4 से 6 दांत के अराउंड हो गए ना, चार दांत पकड़ लीजिए। जस्ट लुक एट द ब्यूटी। चलिए हम अंदर जाके देखते हैं।
यहाँ पर बड़े बकरों का जो है फीडिंग टाइम चालू है चल रहा है। यहाँ पर एक खूबसूरत साहब सोए है। वहाँ हमारे जम्स क्रिएशन के मास भाई है। ये सोल्ड है, सोल्ड है। यहाँ पर है शहजादा, ये एक अंडोल है, ये भी फॉर सेल के लिए है। इसका अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। काफी सारे बकरी पलाई दे रही है। हाँ, यहाँ पर मेन बात खासकर एनएस गोट फार्म की है, यहाँ पर पलाई भी होती है खस्सी बकरों की, और पलाई का रेट सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिटी क्या है बकरों की, मतलब किस तरीके से बकरे रेडी हुए हैं। और ये खास बात यह है कि भरा ही नहीं है इसमें, नॉर्मल फीड्स है, और यहाँ का टेम्परेचर क्लाइमेट सब बराबर है बकरों की ग्रोथ के लिए। तो आप डिसाइड कीजिए आपको यहाँ पर पलाई पे भेजना है या बकरे को, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे बकरे ऑलरेडी पलाई पर है। तो आप भी अपने बकरे भेज सकते हैं नीलेश सर के पास एनएस गोट फार्म पर, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। ये सब खस्सी बकरे हैं माशाल्लाह, 4 दांत के हो गए अराउंड, और सब बकरे जो है एवरेज वेट है इनका 90 kg। और काफी प्यारे काफी प्यारे हैं ये सब बकरे। So if you want to buy any of these goats, please contact Nileshsao, Mr Nileshsao। उनका contact number video में आपके सामने present रहेगा, आप उन्हें contact कीजिए, WhatsApp पर message कीजिए, और आपको जिस तरीके का बकरा चाहिए और जिस जो breed का चाहिए, सोजात हो गया, beetle हो गया, और कौन से सर रह गया अभी, गुजरी available रहेगा। ये 3 breed में से आपको जो भी अच्छे खस्सी बकरे चाहिए तो आप उन्हें मैसेज करके बता सकते हैं, वो आपको रेट और फोटोज़ जो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये बच्चे हैं, ये फॉर सेल के लिए नहीं है, ये अभी पलेंगे, बड़े हो गए और जब ये ऐसे हो जाएंगे तब ये फॉर सेल के लिए अवेलेबल हो गए। अगर आपको पलाई पर भेजना हो तो आप पलाई पर भी भेज सकते हैं। यहाँ पर एनएस गोट फार्म शाहपुर नियर खड़ी, यहाँ का रेट पलाई का है 2000 रुपीज़ ओनली। फीड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप फीड में क्या क्या दे सकते हैं बताइए। हम लोग इधर मक्का देते हैं, मक्का जव, फिर तूर का दाल देते हैं, चना भी डालते हैं उसमें, और मूंगफली का पेंट भी डालते हैं। अच्छा, तो बैलेंस डाइट रहता है। और उनको हम लोग हिमालय बत्तीसा भी देती है। हाँ। तो वो डाइजेशन के लिए जरूर है, क्योंकि इनका वेट इंटेक करीब 1.5-2 किलो डेली होता है। अच्छा, तो उनका डाइजेशन प्रोसेस करने के लिए हिमालय बत्तीसा दिया जाता है, प्लस कैल्शियम पिलाया जाता है, प्रोटोन दिया जाता है, जो भी लिवर टॉनिक वगैरह है। हाँ। उनको रेगुलर देते हैं सो दैट उनका ग्रोथ बराबर हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आपने सुना ओनर से ही डायरेक्ट इन्हें क्या क्या फीड में दिया जाता है और क्या क्या टॉनिक्स दिए जाते हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए। अब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको एनएस गोट फार्म कैसा लगा, और आपको कोई बकरे खरीदने हो, आपके किसी पहचान वाले को खरीदने हो तो उन्हें ज़रूर रिकमेंड कीजिए एनएस गोट फार्म से ख़रीदने के लिए। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये तो हमारे नीलेश सर बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है जो हमें अलाउ किए और ऐसे खूबसूरत बकरे देखने अलाउ किए। काफ़ी लोग जो है अपने ऐसे ऐसे बकरे छुपा कर रखते हैं। इनके कान पर टैग्स भी है क्या? एक ही बकरे इस पर टैग है। यू कैन लुक एट द क्वालिटी। थोड़ा डर रहे सर, उन पकड़ी ना, डर रहे कोई बात नहीं।
These are pure Sojat, best quality, top quality. Now let's go into Beetal or this one. Beetal का तो आप separate video आपने देख ही लिया होगा. यहाँ पर चले जाते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं खाने में जो है गेहूं और मकई खिलाया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे है फ्रेश हरी पत्ती. जरा भी एक्स्ट्रा कुछ फालतू के सप्लीमेंट्स नहीं है जैसा कुछ लोग करते हैं. ये ग्राउंड नट का है. तो ये सब यहाँ पे दिया जाता है फीड में और रिजल्ट आपके सामने है. एक भी बकरा आपको यहाँ नहीं दिखेगा जिसकी हड्डी दिख रही हो या पतला हो. दिस इज रियल ब्यूटी. कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख दीजिए बकरों को नजर ना लगे. और आपको खरीदने हो तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए एनएस गोट फार्म पर. आप विजिट कर सकते हैं अगर आप चाहो तो. अगर आपको खरीदना आपको सिलेक्ट करना आपको कौन सा चाहिए. अगर आप यहाँ आओगे तो एक लेने आओगे तो चार लेके चले जाओगे. इतने अच्छे क्वालिटी है यहाँ पर. ब्यूटी है. दिस इज अ ब्यूटी. वाइट कोर. वाइट है. वाइट कोर और पिंक स्किन फुल वाइट. दिस इज ब्यूटीफुल. ऐसी क्वालिटी आपको दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगी. वाइट खोर में बकरे का साइज देखिए. बकरे की खूबसूरती देखिए. यहाँ पे काफी हाइजीन है मैंने नोटिस किया हूँ प्लेस. क्योंकि यहाँ पे जो वुडन प्लैंक्स है उसके बीच में काफी गैप है जिससे बकरों का जो यूरिन है वो भी स्टे नहीं करता है नीचे चले जाता है. तो प्लेस इज वेरी हाइजीनिक एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस. और बकरे भी काफ़ी फ्रेंडली है. यहाँ माज भाई से एक बकरे की दोस्ती हो चुकी है. अब वो शायद घर साथ में घर जाकर ही मानेगा. और दूसरे वाले की मेरे से हुई नहीं हुई है. ईद के टाइम पे आपका स्टॉक आता है ना एक्स्ट्रा? लिमिटेड स्टॉक. अच्छा. तो अगर आप ईद के लिए खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक नोटिस रहेगी कि यहाँ पे लिमिटेड स्टॉक रहता है. तो इससे पहले कि स्टॉक खत्म हो जाए आप अपना बकरा यहाँ से खरीद लीजिए आपके पसंद का. बहुत जबरदस्त है. यहाँ पे अदंत भी बच्चे जो है 60-70 किलो के आपके मिलेंगे और दो चार दांत के बच्चे जो है 80-100 किलो के आसपास के भी मिल जाएंगे. अभी एक जो है हीरा नाम का है वो अदंत है 99 kg पे. वन ऑफ द हैवीएस्ट. हाँ विद प्रूफ है. खाली बोलकर नहीं तोलकर दिखाएंगे. और यहाँ है बीटल. बीटल अलग ही खूबसूरती वाले. सो दिस इज द शेड. और एक और शेड बनने वाला है वहाँ. वो प्लान कर रहे हैं कोटा बकरे भी लाने के लिए. सो लेट्स प्रे एंड विश दैट उनका वो जो प्लान है वो भी सक्सेसफुल हो. और आप एनएस गोट फार्म का रिव्यू कमेंट सेक्शन में दीजिए.
मिस्टर नीलेश जो है आपके रिव्यू ज़रूर पढ़ेंगे और कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आपको दिख रहा हो इस फार्म में, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर बताइए। बेसिकली वो सोजात, बीटल और गुजरी ब्रीड्स ही अपने फार्म पर रखते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।